कि मैं 1,00,000 रुपए महीना भी कमाऊंगी, मेहनत करूंगी। मतलब समझ नहीं आता कि क्यों इतना चिढ़ रहे हैं, क्यों इतना। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज सुबह के 9 बज गए, तो आज है सैटरडे, तो आज है ना थोड़ा आराम से काम करूंगी, क्योंकि आज ईसू भी स्कूल नहीं जाते। ईसू की हमेशा सैटरडे संडे की छुट्टी होती है गाइज, तो ईसू घर में ही है। तो हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा, आज तो बहुत अच्छी नींद आई, पर ना विष्णु मामा ने ना आपने सोने ही नहीं दिया। बेटा आप तो खूब सोई है आप अच्छे से। बस आपने सोने ही नहीं दिया, रुला दिया मुझे रात को। रात को रुलाया था मजाक करने से, मजाक करना अच्छा लगता है ना ईशू के साथ। तो गाइज मेरी ईशू ना कमज़ोर हो गई है, क्योंकि यार आपको भी पता है ना, मंडे से फ्राइडे तक तो इसकी ऐसी बैंड बजी रहती है ना कि सुबह 5 बजे उठना और 3:30 बजे वापस घर में आना, 6 बजे स्कूल चली जाती है। अब तो ना एग्जाम भी खत्म हो गए, और एग्जाम का इतना प्रेशर था ना बच्चे के ऊपर। अभी PA फर्स्ट हुए थे इसके, तो अब वो फिनिश हो गई। अब मेरी बेटी अब दोबारा सितंबर में है, जब इसका बर्थडे होगा ना तब जाके। तो गाइज है ना अब तो अगस्त के महीने में फिर तैयारी चालू, जिसे सेकंड चैप्टर पढ़ाएगी मैम। सितंबर में मेरा बर्थडे, अगर कोई सभी एक जरूरी पेपर छूट गया ना तो नहीं। कोई बात नहीं बेटा, बर्थडे तो बाद में भी मानते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। बर्थडे वाले दिन प्रॉमिस कर रही है आपसे मम्मा, आपको दिल्ली में बहुत अच्छी जगह लेके जाएगी घुमाने के लिए। आप तो जयपुर जाते हो घूमने के, इतनी अच्छी। अच्छा वो तो मेरे बर्थडे पर मेरी फ्रेंड बुलाती है ना, आपकी कोई फ्रेंड नहीं है तो आपको कौन बुलाएगा जयपुर? फ्रेंड नहीं है मेरे पास। जयपुर में फ्रेंड है आपकी? नहीं। तो आसी है आपकी फ्रेंड, तो आसी के घर पे मनाया ना जाके। गाइज आपको ये इसके बारे में मैं बताती हूँ, जो ये पानी है ना, ये पानी जो मैं वो चावल और मूंग की दाल बनाती हूँ ना, हमेशा चावल मूंग की खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ, जैसे दाल को धोते हैं या फिर चावल को धोते हैं ना, उस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, इस बोतल में डाल देती हूँ। तो अब ये पानी मैं पेड़ों में दूंगी, सारे पेड़ है ना, जितने भी पेड़ है ना उनमें दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं मनी प्लांट में देती हूँ। गाइज देखो ये मेरा मनी प्लांट है, तो वो ना मनी प्लांट की जो पत्तियाँ होती है ना उस पर छिड़कना चाहिए। अच्छा हो रहा है, रुक जाओ ईशा, रुक जाओ, ऐसे नहीं डाल। मैंने अच्छा। इसमें देखो छेद कर रखे हैं बोतल में ऐसे। बेटा हमेशा मनी प्लांट में जड़ों में पानी नहीं डालते, इनकी पत्तियों पे डालते हैं इसे। और अब मैं जा रही हूँ अंदर। तो गाइज मेरी ये जो घी निकालने वाली ये जो ब्लेंडर था ये खराब हो गया, तो इसको विष्णु ठीक कर रहा है, देखते हैं। ये ब्लेंडर, हाँ हैंड ब्लेंडर बोलते हैं इसको। और आज मुझे घी निकालना था गाइज, तो देखो मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है, ये देखो। पहले की तरफ पहनो। तो गाइज आज है ना 12 बजे, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। ये देखो ये काम किस किस के घर में फैलता है गाइज, ये देखो ना। मेरा फ्रिज मतलब इसका मतलब खराब हो चुका है गाइस, कि ये पूरा भर जाता है इसमें, ये ना पूरा भर जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ ना खराब नहीं हुआ, बाहर एसी चलती है, अंदर ये ठंडा रहता है, इसलिए भर जाता है। थोड़ा सा टेंपरेचर है ये देने की कम। इसका ये भी टूट गया ना, ये भी टूट गया ना। छुट्टी वाले दिन तो बस ऐसे काम हो जाते हैं। अब ईशू के पापा इनको नहलाने ले जा रहे हैं, ईशू का अच्छे से सर धोना। चल रही बेटा, पापा नहलाएंगे, जा बताओ अपने आप नुलाओ। तो हेलो गाइज, अब मैं आपसे बैठ के बातें करती हूँ। तो कुछ है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आज बताऊंगी आपको, कि आज का टाइम ही गाइज ऐसा आ गया ना, पता ही नहीं लोग है ना एक, मतलब समझ ही नहीं आता कि क्यों इतना चिढ़ रहे हैं, क्यों इतना। मैं तो सही बताऊ ना, मैंने आज तक जिसको जितनी अहमियत दी है ना, कि जिसको जितना चाह है ना, कि इस आदमी ये बहुत अच्छा है, मैंने अपना माना, वही आदमी मतलब गलत होते हैं बाद में, धीरे धीरे करके एक मतलब 6 महीने में, साल में, 2 साल में, पता तो लगता ही है गाइज इंसानों का है। अब एक बात बताओ, जो मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है, मुझे इतना सपोर्ट कर रही, और आपको भी इस चीज़ का पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा है, तो मतलब है ना लोगों के दिमाग में, दिल में ये चीज़ क्यों बैठ गई? अरे वो देख, उसको 1 साल भी नहीं हुआ यूट्यूब पे आए, और उसका चैनल इतना अच्छा चल रहा है, वो तो उससे भी आगे निकल गई, वो आदमी इतने दिनों से बना रहा है, फिर भी वो
अभी उसके इतने से सब्सक्राइब है और उसके इतने से दिनों में इतने सब्सक्राइब हो गए और मतलब थोड़े से दिनों में 1 लाख हो जाएंगे ये वो तो 1-1 लाख महीने का कमारी हो गई। मतलब तुम कैसे सोच लेते हो, मतलब सब्सक्राइब मेरे 1 लाख हो जाएंगे तो मैं 1 लाख महीना कमा रही हूँ। तुम्हें पता होना, जब तुम्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है सोशल मीडिया क्या चीज़ है, कितने व्यूज पे क्या पेमेंट होती है क्या नहीं होती। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की मतलब सोच इतनी नेगेटिविटी हो गई ना, इतनी गंद भरा हुआ है ना, जो मैं समझ भी नहीं सकती। और आज का ज़माना ये हो गया, किसी के पास अगर 2 पैसा आए ना तो लोग सोचे कैसे भी उसको नीचे गिराया, कैसे भी उसको बंद करे कि बस वो पैसा नहीं जाए उसके पास, वो 2 पैसा तो उसके पास जाए नहीं, मेरे पास आए। भाई वो मेरी मेहनत है, 1 लाख रुपए जिस दिन कमा लूंगी ना उस दिन तो गाइज क्या ही बताओ, सर में दर्द हो जाता है मेरे तो। पर पता नहीं क्यों इतना लोग सोचते हैं। और सोशल मीडिया पे मैं एक बात बताऊं, पैसा हाँ बहुत है, बहुत ज़्यादा पैसा, इतना पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है सोशल मीडिया पर। ऐसे नहीं है कि वो मेरे 1,80,000 सब्सक्राइब हो गए ना मैं 1 लाख रुपये कमाने लगे। भाई तुम सोच भी कैसे सकते हो, अगर भगवान तुम्हारी बोली मत यही कहो तुम्हारी बोली फल जा, जो मैं ना 1 लाख ही कमाऊँ और 50,000 तो मैं आपको दे दूँगी, चाहे मैं मेहनत करके भी 50,000 आप ले लेना, बस आपकी बोली फल जाए कि मैं 1 लाख रुपये कमाने लग जाऊँ। कैसे कैसी सोच रखते हैं, चलो ठीक है मानते हो 10-20,000 रुपये आते हैं, लेकिन इतना इतना थोड़ी ना होता है, अभी स्टार्टिंग हुई है गाइज। पर तुम्हें आज बता रही हूँ ये बात, यूट्यूब फैमिली से नहीं कह रही, उनसे, कि मैं 1 लाख रुपये महीना भी कमाऊँगी, मेहनत करूँगी और शायद मैं अब तक यूट्यूब चैनल में, मैंने अभी आपके सामने बीच में मतलब ब्लॉग वगैरह देना कम कर दिया था, मेरा चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा था फिर भी मैं नहीं दे रही थी कि मतलब एक्टिव नहीं रह रही थी कि लोगों के तो इधर उधर की बातें, और दूसरा मेरा मन नहीं होता था कि अकेली क्या ही ब्लॉग बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँ, और फिर बेटे का भी बहुत होता है स्कूल का नहीं बना रही थी गाइस। और सुबह का टाइम है गाइस, अभी सुबह बैठ के मैं ब्लॉग दे रही हूँ, सब सो रहे हैं मैं बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ। तो है ना गाइज, इतनी एक्टिव नहीं थी बीच में, लेकिन जब लोगों की इतनी नेगेटिव पॉइंट सुनती हूँ ना, इतने सारे नेगेटिव पॉइंट सुना सुना के ये लोग मुझे इतना मतलब इतना मोटिवेट करते हैं ना कि मैं सोचती हूँ कि नहीं, तरक्की कर मिंटू, आगे बढ़े, तरक्की करेगी आगे बढ़ मिंटू, कर मेहनत कर। तो फिर मैंने विष्णु को भी बुलाया, फिर हम दोबारा मेहनत करने लग गए और दोबारा से मेरा यूट्यूब चैनल चलने लग गया। और अब तुम इसके सब्सक्राइब बंद कर देना कि मिंटू का यूट्यूब चैनल बस बंद हो जाए, ऐसा कोई जादू लेके आना कि वो बंद हो जाए। गाइज मतलब इन लोगों को ऐसे नहीं सोच, ये नहीं समझते कि मिंटू को फ़र्क ही क्या पड़ता है, उसको इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली मिल रही है, वो अपना बैठ के ब्लॉग देती है, उनसे फेस टू फेस बातें, फेस टू फेस नहीं करती तो अपने वीडियो के माध्यम से अपनी यूट्यूब फैमिली से वो बात कर रही है। कभी मुझे कोई मेरे सब्सक्राइब मिलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं वहाँ भी बात करती हूँ। मुझे चाहने वाली थी मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी हो गई कि फेसबुक पे यूट्यूब पे इतने सारे हो गए, तुम्हारी मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने कितनी बार बोल दिया कि तुम मत करो मेरी बात, फिर भी लोग नहीं मानते, वो मेरी बात करते हैं, उनको पता नहीं क्या ही मजा आता है मेरी बात करने में। तो तुम करो, कोई बात नहीं है, अब हम तुम्हें इग्नोर करेंगे और हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और तो गाइस है ना, बाकी बातें हम नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। तो इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ मैं यहीं पर, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ मैं भी, बातें याद कर लेती हूँ ना लोगों की, फिर पता नहीं क्यों दुख सा होता है कि जिन लोगों के लिए बहुत कुछ करे थे, बहुत कुछ समझा था, शायद मैंने हमेशा किसी की हेल्प करी होगी, हमेशा किसी का साथ दिया होगा। सच्ची में मैं कभी किसी से मांगती भी नहीं हूँ हेल्प, अगर जरूरत सख्त जरूरत पड़ गई तो देख, नहीं तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं मेरे घर में चटनी रोटी खा के खुश हूँ, ना मैं दिखावा करती, ना मुझे घमंड, ना मैं ये कहती। पर लोग है ना, घर में खाने को तो उनको चटनी रोटी नहीं है, दिखावा बड़े बड़े कर लेते हैं, बातें इतनी लंबी लंबी कर देते हैं, ये जवान है जो इतनी लंबी फेंकते हैं लोग। तुम फेंकते रहो, मैं सुनती रहूँगी, तुम्हारा काम है फेंकने का और मेरा काम है सुनने का, और बस। तो गाइस फिर बाद में मिलते हैं हम।